राधे राधे दोस्तों दोस्तों, आज मैंने काले चने और आलू की रेसिपी लेकर आए हैं, जो बहुत ही टेस्टी बना है। जैसे मेरी मम्मी बनाती हैं, सेम वही सीक्रेट आप लोग के साथ शेयर करेंगे। जैसे मम्मी लोग गांव में रहती हैं, तो बहुत ही टेस्टी सा सब्जी बनाती हैं, इस तरह से काट कूट के। और ये चने की सब्जी और आलू की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों, ये अगर तरीका आप लोगों को पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर से पहली बार हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि हमने सब्जी को कैसे बनाए हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल लिए हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर थोड़ी सी आलू लिए, 4-5 आलू छोटी छोटी कट किए हैं, और थोड़ा सा ये चना है। तो हमने ये 3 लोगों के लिए सब्जी बना रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा। ऑयल जैसे ही गर्म होगा, उसमें सारे आलू को डाल लेंगे और इसे 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे 3 मिनट फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, आलू को फ्राई करते हुए करीब 3 मिनट हो चुकी है। अब अपने आलू को अलग प्लेट में निकाल लेंगे। वापस से इसमें हम 2 बड़ा चम्मच और ऑयल डालेंगे अपनी ग्रेवी बनाने के लिए। तो देखिए, छोटी चम्मच से 4 चम्मच 5 चम्मच तेल डालेंगे, बड़े चम्मच से एक दो चम्मच तेल होगा। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा, तो 1 चम्मच देखिए साबुत जीरा डालेंगे, और कुछ खड़े गरम मसाले आपके पास जो हो ले लीजिएगा। तो देखिए, हमने खड़े गरम मसाले डाल लेंगे। थोड़ा सा तड़क जाएगा जीरा और मसाले खड़े, तो यहीं पे एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। देखिए, प्याज को इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में कट किए हैं, और प्याज को भी हम 3 मिनट तक भूनेंगे, इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। देखिए दोस्तों, प्याज को भूनते हुए 3 मिनट हो चुका है, इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो गया। अब यहीं पर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, आपको तीखा जितना पसंद हो। पे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1/2 चम्मच, ये तीखा कम होता है, ये सिर्फ कलर के लिए। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और इस सब्जी को एकदम स्वाद बढ़ाने के लिए 1 चम्मच मीट मसाला डालेंगे। इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर आएगी। उसके बाद से इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। देखिए, 1 चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे। उसके बाद से इसे करेंगे हम मिक्स। तो हमने फ्लेम को एकदम से लो रखेंगे, नहीं तो हमारे सूखे मसाले हैं जल भी सकता है। उसके बाद से यहाँ पर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, ताकि हमारा मसाला जले ना, और इसे हम चला देंगे। इसे चला के ढक के और पकाएंगे मसाले को। तो देखिए दोस्तों, मसाले पकाते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब यहीं पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 लहसुन की गांठ, उसे थोड़ा सा दरदरा कूट के लिए थे, उसे भी डाल देंगे। अब बस इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ढक के हम मीडियम फ्लेम पे मसाले को पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मसाले को पकाते हुए करीब 3 मिनट हो चुका है। अब यहीं पे 1 लहसुन की गांठ लिए थे, इसे बिना छिलका उतारे हुए। इस गांठ को भी हम लहसुन को भी डाल देंगे, इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी लगेगा। जैसे लहसुन हम खाएंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद से मिक्स करेंगे मसाले को, जैसे पलटे से थोड़ा सा चलाते हुए, ताकि हमारा जो प्याज है वो अच्छे से मैश हो जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाल दिए, क्योंकि मसाला हमारा अभी पका नहीं है और नीचे से चिपक भी रहा है। तो इसे चलिए 2 मिनट और ढक के पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे मसाले पकाते हुए करीब 5 मिनट हो चुका है, बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब यहीं पे 1 टमाटर लिए थे, इसे थोड़ा सा दरदरा पीसे हैं, इसे डाल देंगे, और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और टमाटर को भी मसाले के साथ 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसे तब तक पकाएंगे तब तक ये तेल ना सेपरेट हो जाए मसाले में से। तो चलिए, इसे अब 2-3 मिनट में हमारा मसाला एकदम से अच्छे से पक जाएगा। तो इसे पका लेते हैं। तो लीजिए, हमारे मसाला बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब यहीं पे जो हमने चना फुलवा के रखे थे, इसे डाल देंगे, और अपने चने को भी 2 मिनट मसाले के साथ भूनेंगे। तो लीजिए, हमारा चना भी अच्छे से 2 मिनट से भून रहा है। अब यहीं पर अपना फ्राई किया हुआ आलू डाल देंगे, और इसे भी चना मसाले के साथ मिक्स करेंगे। उसके बाद से हम पानी डालेंगे, तो हम अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी डालेंगे। तो चलिए, इसे भी 1 मिनट आलू चने मसाले के साथ भून लेते हैं। तो चलिए, 1 मिनट हो चुका है। अब यहीं पे हम ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। तो हमें तो इसे चावल के साथ खाना है, ये सब्जी थोड़ा सा पानी वाला ही अच्छा लगता है।
तो इसमें पानी हम करीब 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। और उसके बाद से देखिए इसका ढक्कन लगा के इसे हम बस 5 मिनट से 6 मिनट पकाएंगे। 5-6 मिनट में बहुत ही अच्छे से चना और आलू पक जाएगा। देखिए दोस्तों हमें सब्जी को पकाते हुए करीब 5 मिनट हो चुकी है और हमारा आलू और चना बहुत ही अच्छे से पक चुका है। आप देखिए यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा मैश हो रहा है आलू और चना। आप देख सकते हैं बहुत गर्म है, अब ध्यान से छुइएगा। उसके बाद अब इसे चलाएंगे और यहाँ पर कुछ फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे। अगर आपको चाहिए ऊपर से डालना तो आप अभी बंद कर सकते हैं, लेकिन हम धनिया पत्ता को भी 1 मिनट पकाएंगे। तो बस ढक के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद से गैस को फ्लेम को कर देंगे बंद। तो देखिए दोस्तों 1 मिनट के बाद से हमने गैस पे से कढ़ाई को उतार लिए हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारा सब्जी बन के हुआ है रेडी, एकदम इस ग्रेवी के थिकनेस अच्छा है। इसे चावल के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो लीजिए दोस्तों हम इसे सर्व कर दिए हैं खाने के लिए। ये बहुत ही टेस्टी बना है, मेरे मुंह में तो पानी आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।